दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा जो मच्छरों को नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, मच्छरों के काटने से ना जाने कितनी जानलेवा बीमारियां फैलने का डर रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक जरा सा मच्छर, छोटा सा मच्छर आपकी मजबूत से खाल को कैसे काट पाता है? दरअसल दोस्तों, मच्छर अपने 47 दांतों की मदद से अपने शिकार पर अटैक करता है। दोस्तों दरअसल मादा मच्छर की प्रोबोसिस में 47 यानी 47 छोटे छोटे नुकीले किनारे होते हैं, जिन्हें कई विद्वान मच्छर के दांत कहते हैं। मादा मच्छर के मुंह में सुई जैसी नलिकाकार संरचना होती है, जिसे सूड यानी प्रोबोसिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोबोसिस कीटों में पाए जाने वाला एक विशेष अंग होता है, जिसकी सहायता से वे भोजन को चूसने का काम करते हैं। दोस्तों, इस अटैक की मुद्रा में मच्छर इतनी तेजी से अपने दांतों को यूज करता है कि शिकार की खाल में छेद हो जाता है। मच्छर के मुंह को प्रोबोसिस कहा जाता है, जिसमें 47 धारदार स्टारलेट्स और 2 ट्यूब्स होती हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि इन 47 नुकीले किनारों को मच्छर का दांत कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मच्छर इनका प्रयोग त्वचा को भेदने के लिए करते हैं, ना कि भोजन को चबाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मच्छरों के बारे में 2 और रोचक तथ्य बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मच्छर कैसे खून को धब्बा बनने से रोकता है। दोस्तों दरअसल मच्छर अपने 47 दांतों से शिकार के शरीर में छेद करके सबसे पहले अपनी पहली ट्यूब को शिकार के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। यह पहली ट्यूब एंटीकोगुलेंट ड्रग को शिकार के शरीर में छोड़ देती है। गौरतलब है कि खून में हवा के संपर्क में आते ही जम जाने का गुण मौजूद होता है, इसलिए यह ट्यूब एंटीकोगुलेंट ड्रग को छोड़कर खून को जमने से रोकती है। इसके साथ ही मच्छर अपनी दूसरी ट्यूब को शिकार के शरीर में इंजेक्ट करा देती है। इस ट्यूब से मच्छर खून पीना शुरू कर देता है। दोस्तों दरअसल मच्छर अपने शिकार की अपनी प्रक्रिया को इतनी तेजी से पूरा करता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता है। दोस्तों आइए अब मैं आपको मच्छरों के बारे में एक और रोचक तथ्य बताता हूँ। दोस्तों अगर कोई आपसे कहे कि मच्छर किसी तरह की आवाज नहीं निकालते, तो आप सहसा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मच्छरों ने कभी ना कभी आपके कान के आसपास उड़ते हुए आपकी नींद में खलल जरूर डाला होगा। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है कि मच्छर किसी तरह की परेशान करने वाली आवाज नहीं निकालते हैं। दरअसल मच्छर 1 सेकेंड में 300 से 600 बार अपने पंख फड़फड़ाते हैं, इसलिए उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज से शोर पैदा होता है। इसके साथ ही मच्छरों में नर और मादा मच्छरों अपने पंखों को एक साथ फड़फड़ाते हैं, जिससे मच्छरों का गाना गाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थे मच्छरों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये तथ्य अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, सलाह है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। साथ में इस तरह की वीडियो लगातार आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।